कोलकाता हाई कोर्ट के बाहर आपको हम पहले सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दें कि टीएमसी के चार बड़े लीडरों को कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत मिल गई। जी हाँ, टीएमसी के चार बड़े हेवीवेट लीडर जो कि नारदा मामले में फंसे हुए थे, अब से कुछ देर पहले कोलकाता हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने उन्हें साई ऑफ रिलीफ दिया, उनको हाई कोर्ट से राहत मिली है और उन्हें जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कि इन लोगों को 16 तारीख को सीबीआई ने नारदा मामले में अरेस्ट किया था, जिसमें फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, शोभन चट्टोपाध्याय और कमरट्टी के विधायक मदन मित्रा थे। चारों को अब से कुछ देर पहले कलकत्ता हाईकोर्ट की लार्जर बेंच ने बेल दे दी है और अब ये फ्रीली काम कर सकेंगे, अपने घर से निकल सकेंगे। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट सैयद नफीरुल इस्लाम, जो खुद इस मामले में पेश थे। क्या हुआ था अभी कुछ देर पहले? जी, आज दोपहर के 12 बजे नारदा स्टिंग ऑपरेशन में जो चार अभियुक्त जिन्हें हिरासत में सीबीआई ने 17 तारीख को लिया था जी, और उसी दिन एक सीबीआई की स्पेशल अदालत ने उन्हें इंटरिम जमानत भी दी, लेकिन रात कुछ लीगल वायलेशन के तहत उस मामले में स्टे दे दी गई थी। काफ़ी दिनों से ये सुनवाई चल रही थी, लेकिन आज इसका अंत हुआ है। आज ऐसा है कि 12 बजे जब सुनवाई शुरू हुई तो एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल, जो इस लार्जर बेंच को लीड कर रहे थे, पहले से ही जहन बना हुआ था कि इन्हें डिटेन करने का और कोई जरिया नहीं मिल रहा था, और केस के मेरिट पे ऑलरेडी चार रोज़ जो है बहस हो चुकी थी मैराथन तरीके से। तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज पांच जजेस के बेंच ने इन चारों नेताओं को, जिसमें दो मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, एक विधायक है मदन मित्रा और एक पूर्व शहर के प्रशासक है शोभन चटर्जी, चारों को 2 लाख रुपए की जमानत की राशि के साथ जो आज लार्जर संवैधानिक बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट को इन्हें जमानत दी है। साथ ही साथ ये भी कहा इन्होंने कि ये प्रेस में, मीडिया में इस मामले को लेकर कोई टिप्पणी, कोई बयानबाजी नहीं कर सकते। इसके साथ एक और चीज़ कहा कि सीबीआई को इस मामले में तमाम आरोपी को सहयोग करना होगा, लेकिन प्रोटोकॉल है, कोविड का समय चल रहा है, साइक्लोन भी है, तो ये तमाम चीज़ें वर्चुअली भी वो कर सकते हैं और एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। अगर सीबीआई कोई नई एप्लीकेशन के साथ आती है कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ किया गया, तो शायद हो सकता है फिर से इसमें सुनवाई हो। लेकिन फिलहाल के लिए एक बहुत बड़ी हमारे सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेताओं के लिए, मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। तो क्या ये लोग जो नज़रबंद है, अपने घर पे कैद है, क्या अब ये बाहर निकल के मूवमेंट कर पाएंगे अपना जो काम है जी ये जो दो मंत्री हैं, एक फिरहाद हकीम साहब जो कि ट्रांसपोर्ट और अर्बन डेवलपमेंट दो दफ्तरों की जिम्मेदारी जी और शहर के प्रशासक भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है केएमसी बोर्ड के, और सुब्रत मुखर्जी जो कि पंचायत मंत्री हैं, ये लोग अपने आधिकारिक कार्य के तहत ये घर से बाहर निकल कर तमाम कार्य को ये कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनकी ज़रूरत है। तो नाजरीन, आपको हम पहले बता दें कि निचली कोर्ट से इनको पहले दिन जब जमानत मिली तो 25,000 के दो बॉन्ड, जी हाँ, यानी कि 50,000 रुपये के बॉन्ड पर इन्हें जमानत मिली थी। आज जो इन्हें जो मिली है जमानत, वो है 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर इनको छोड़ा गया है। साथ ही साथ कुछ बहुत सारी शर्त भी है, एक शर्त ये भी है, कोर्ट ने इनसे कहा है कि आप मीडिया में या टीवी चैनल में कहीं पर भी इस पूरे कांड पर, इस पूरे घटना पर कोई भी टिप्पणी, कोई भी बयान नहीं दे सकते। जी 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 जी। और इसके और क्या बातें, और तमाम बातें रखी गई हैं, जिस तरीके से निचली अदालत ने जमानत दी थी सुप्रीम कोर्ट के 12 मई के रिट पिटीशन 1 को नज़र में रखते हुए, उस चीज़ को भी रखा गया क्योंकि केस का एक मेरिट क्लॉज है, और भी बहुत सारी बातें कही गई, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें कही, कल भी सुनवाई हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बात साफ कर दिया है कि फिलहाल इस केस में, क्योंकि 2017 में एफआईआर हुई थी और 4 साल का वक्फा हो चुका है, 4 साल में इन लोगों ने जब जब सीबीआई ने 41A CRPC के तहत इन्हें बुलाया है, इन्होंने कंप्लायंस किया, उसकी डॉक्यूमेंट भी हमारे पास मौजूद है, तो इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने ये भी देखा कि अभी तक जो है इनका इन्फ्लुएंस टैम्परिंग ऑफ एविडेंस की तरफ नहीं गया, और यही वजह है कि सीबीआई बार बार एक ही बात को उछाल रही थी कि मुख्यमंत्री ने सीबीआई को काम करने से रोका है, धरना में बैठा, तो कहीं कहीं राइट टू, कहीं ना कहीं ये बात जो है ये साबित नहीं है, क्योंकि राइट टू लिबर्टी जो है तमाम आरोपियों का अधिकार है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जो अहकार लगाई थी सीबीआई ने, तो सीबीआई को फटकार लगा था, उन्हें ये कहा गया था कि आप ये
पिटीशन को विड्रॉ कर ले, नहीं तो हमें कोई निर्देश जारी करना होगा। उसके बाद से फिर से हाईकोर्ट में इस मैटर को रेफर कर दिया गया और ये भी कहा गया कि हाईकोर्ट की जो लार्जर बेंच है अब इस मामले को पूरी सुनवाई करेगी। साथ ही साथ एक और चीज़ पब्लिक रिलीज में आई है, जो इनका एक एप्लीकेशन था 407 का, उसे कहीं ना कहीं अब सिंगल बेंच में सुनवाई की जाएगी, क्योंकि 407 जो है जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने एक रिलीज़ किया, एक सर्कुलर भी, गाइडलाइंस भी दिखाया है, जिसमें लिखा गया है कि 407 की एप्लीकेशन सिंगल बेंच की दायरे की है, इसमें डिवीज़न ये लार्जर बेंच का कुछ नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं और जो तमाम शर्तें हैं और जो तमाम कैन एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन नारदा केस को लेकर, इन चार आरोपी को लेकर अभी फिलहाल के लिए आज हाईकोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आया, इन्हें रिहा कर दिया गया है। सीबीआई की ओर से जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल मिस्टर मेहता, क्या उन्हें कुछ आदेश मिला है कोर्ट से? जी देखिए, उनके पास कहने के लिए बस एक ही बात है जो 17 तारीख से कह रहे हैं। इसके अलावा तुषार मेहता सीबीआई के वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो कहीं भी अपील में जा सकती है, वो उनका लिमिटेशन है, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें किसी तरह का खास निर्देश नहीं दिया गया। क्या उन्हें ये, तो हमारे पास जो इनपुट्स है उसमें ये हमारे जो सूत्र बताते हैं कि कोर्ट से इन्हें कहा गया कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई हो, ऐसा नहीं कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। नहीं नहीं, कोर्ट ने ये जरूर कहा कि इसकी जो ट्रायल के जो मामला थे, ट्रायल पे बहुत जल्दी बहस शुरू होनी है, और किस तरीके से शुरू होनी ये 5 जजेस ही डिसाइड करेंगे, इसलिए सोमवार को इसकी जो हेयरिंग है वो जारी रहेगी। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, आज तकरीबन 12 बजे ये जो हेयरिंग शुरू हुआ, और कितना बजे इसका वर्डिक्ट आया? जी 12 बजे से लेकर 1 बजे तक ये हेयरिंग चला, और 5 मिनट का विराम लिया गया था, ब्रेक लिया गया था, ब्रेक के बाद ही जो है वर्बली जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है उन्होंने अपना राय सुनाया। अब थोड़ी देर बाद उसी राय को सिस्टम में अपलोड भी कर दिया जाएगा। इस फैसले से कितना रिलीफ मिला है टीएमसी को? देखिए, कहीं ना कहीं हम टीएमसी समर्थक जो हैं, जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं और जो राज्य से मोहब्बत करते हैं, मुख्यमंत्री से मोहब्बत करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिलीफ है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सीबीआई ने अपने पावर का मिसयूज़ किया है, केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं इसमें कोई रोल भी नज़र आया है, तो इस तरह के डिटेंशन को हम लोग गलत शुरू से साबित कर रहे थे, और यही वजह है कि आज जो ये फैसला आया है तो ये मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के तमाम मंत्रियों, विधायकों और उनके समर्थकों और देश के, राज्य के तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है और राहत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट सैयद नफील इस्लाम, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि किस तरह से आज हाईकोर्ट की लार्जर बेंच ने टीएमसी को राहत दी है, और टीएमसी के 3 बड़े नेता और एक पूर्व टीएमसी के नेता शोभन चट्टोपाध्याय और 2 मिनिस्टर सुब्रत मुखर्जी फिराद हकीम के अलावा जो नव निर्वाचित विधायक है कमरट्टी के मदन मित्रा, उनको अंतरिम जमानत मिल गई। आपको पूरे घटनाक्रम में लेके चले तो 2014 में जो घटना हुआ था नारदा स्टिंग कांड, ये 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इसको अपने दफ्तर से इस वीडियो को जारी किया था और ये कहा था कि टीएमसी के लोग किस तरह से करप्शन में मुलव्वस है। उसको लेकर इस महीने की 16 तारीख को सीबीआई ने सख्त एक्शन लिया था और फिराद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा, शोभन चट्टोपाध्याय चारों को अरेस्ट करके निजाम पैलेस लेके जाया गया। उसी दिन शहर की निचली अदालत ने उन्हें बेल दे दिया था, लेकिन रातों रात जो हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस है मिस्टर राजेश बुंदल, उन्होंने उस पर इस रोक लगा दी, और उसके बाद जो यहाँ हेयरिंग हुआ उसमें लास्ट में दो जज के ऑब्जर्वेशन में मतभेद मिला, इसके कारण इन चारों को हाउस अरेस्ट में रहना पड़ा, और आज जो फैसला हुआ कहीं ना कहीं इन चारों के हक में है, चारों फ्रीली काम कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं ये पूरी खबर जो है टीएमसी के लिए राहत की बात है। आप सभी इस तरह देखते रहे हालात बंगाल, और मैं अशफाक, कोलकाता हाईकोर्ट से।